हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूनिवर्सिटी से लेट रिजल्ट और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर खालसा त्रिशताब्दी कॉलेज में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि रतिया ने कहा कि पिछले एक साल से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा और जो रिजल्ट घोषित किया गया उसमें लगभग सभी विद्यार्थियों की रीव अपीयर निकाली गई है। उन्होंने कहा है कि इसका कारण यह है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने बच्चों को पैसे कमाने का एक माध्यम बनाया हुआ है जो कि बच्चों को बार बार फेल करके पैसे वसूलने का कारोबार कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार की तरफ से जो सरकारी संस्थान हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लाकर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कॉलोन बेस बनाया जा रहा है और पिछले लंबे समय से हरियाणा सरकार की तरफ से विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप को भी रोक रखा है। जो काम हरियाणा सरकार सक्षम के युवाओं से करवाती थी हरियाणा सरकार की तरफ से विद्यार्थियों की क्लासों को छुड़वा कर वही काम उनसे फील्ड में कराया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यही है कि सरकार सक्षम को खत्म करना चाहती है, इसलिए ये कार्य स्कूल कॉलेज के बच्चों से करवाया जा रहा है। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, इसीलिए सरकार जल्द इसका समाधान करे। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। देखो जी, कॉलेज की समस्या लगातार बनी हुई है। कॉलेज के बीच ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है अच्छी तरह, ना इतने टीचर ने, और लगातार स्टूडेंट मंग कर रहे हैं भी जल्द से जल्द हल हो, और जी स्कॉलरशिप है वह भी नहीं प्रशासन वालों स्टूडेंट जा रही है। लगातार स्टूडेंट मंग पत्र भी दे चुके हैं, उसके बावजूद जी समस्या उवें दी उवें बनी हुई, और अज असी धरना लाया प्रशासन के खारेबाजी की भी जी की समस्या है, स्कॉलरशिप होवे, कॉलेज की समस्या आवे और जल्द से जल्द उन्होंने हल किया जाए। अगर साड़ी समस्या का हल ना हो तो असी एक बड़ी के SDM ढाप करने का काम करा। जिहड़ा अज दा धरना लाया गया अपने गेट के मूहरे, ये अपना ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसीएशन वालों तो बाकी कॉलेज के सारे स्टूडेंट वालों किया गया। तो इस अपनी मेन मंग यही सी भी जिहड़ा ये 2 साल तो रिजल्ट आ रहा CDL यूनिवर्सिटी वालों ये बहुत ही खराब आ रहे हैं, काफ़ी गलतियां की जा रही हैं, कई बच्चों फेल न पास करके पास न फेल, कई अबसेंट सी जे बच्चे उन्होंने भी पास करके जेडे पेपर दे के नहीं गए उन्होंने कि हिसाब न पास किया, असं इन्हों पुछना चाहते हैं। तो नाले जोड़े बच्चों के उस रिजल्ट तो शो किया हो उत्ते फेल लिखा होया, थले उन्हों के मार्क्स वगैरह सारा कुछ परसेंटेज वगैरह सारा कुछ शो किया होया, ये हिसाब ना उन्होंने लाया से यह भी पूछना चाहते हैं। तो बाकी होर भी रिजल्ट काफ़ी आ रही हैं, असं प्रैक्टिकल असी पेपर दते से उन्होंने चन अबसेंट ही शो किया हो गैर हाजिर शो कहने, तो असी प्रशासन तो यही मांग करते हैं भी साडा रिजल्ट दोबारा चैक किया जाए, जल्दी तो जल्दी साडा रिजल्ट चैक नहीं किया गया, बहुत ही जल्द कबड्डी कॉल दे खोलन की शुरुआत करा। मेरा नाम गुरजीत। रिजल्ट कारण रिजल्ट बहुत माड़ा आ रहा 2 सालों तो, ते कुछ पानी की सुविधा भी चंगी नहीं है कॉलेज, पानी की टीचर भी नहीं है, जो टीचर ने चज नाल क्लास नहीं ला, साड़ी क्लासा भी नहीं लगा रहे जिन्ना कारण साडा रिजल्ट भी बहुत माड़ा दे रहे ने, तो साड़ी आई उम्मीद साडा रिजल्ट वधिया तो वही दोबारा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।